हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भिंडी की एक झटपट से बनने वाली रेसिपी। ये देखिए, मैंने प्याज लिए हैं, इनको ऐसे क्यूब्स में ले लिया है, और ये है भिंडी, इनको मैंने ऐसे टुकड़ों में काट लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हमें कढ़ाई में तेल डालकर ये जो प्याज है इनको हल्का हल्का फ्राई करना है। देखिए, इसे हल्का हल्का चलाएंगे, नहीं ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का हल्का करना है। ये देखिए, आप हल्के हल्के ये ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, इनको ऐसे चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने कटी हुई भिंडी थी, ये इस भिंडी को हम इसमें डाल देंगे, और इसको भी प्याज के साथ हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, अच्छे से इनको मिला लेंगे। आप इसको चलाते रहें, नहीं तो ये जलने लग जाएंगे, और इसे कम आंच में ही पकाएं। हल्के हाथ से 5 मिनट तक हम भून को ऐसे करना रहेगा। इसको चलाते रहें। देखिए, आप ये हल्के हल्के ब्राउन होने लग गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे, अब ये ब्राउन हो चुके हैं। अब उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाल लिया है, अब तेल को गर्म होने देंगे। मैंने सरसों का तेल लिया है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, पर आप सरसों के ऑयल में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे मैंने डाल दिया है हींग और थोड़ा सा जीरा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो मैंने एक लहसुन लिए हैं, उनको बारीक बारीक मैंने लंबाई में काट लिया है, ये देखिए आप। अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी तेल में। अब इसको भी हम हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये देखिए, हल्का हल्का ऐसे ब्राउन होने तक ऐसे भूनेंगे हम। तो आप देख सकते हैं ये हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं, ये देखिए, हम अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी, मैंने प्याज काट के रखा है बारीक, ऐसे छोटे छोटे बारीक बारीक स्लाइस में। अब मैं इनको इसमें डाल के भून लूंगी हल्का ब्राउन होने तक। आपको ये ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का ही भूनना है। ये देखिए, इसे चलाते रहें ऐसे। देखिए, हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर, जो कि मैंने मोटे मोटे पीस में काटे हैं। आप ऐसे ही पीस में काट के इनको डालें, इससे इनका स्वाद आता है। अगर आप बारीक चॉप करके डालेंगे तो इसका वो फ्लेवर नहीं आएगा। अब मैं इसको अच्छी तरीके से इसको मिला दूंगी प्याज के साथ,
ये अच्छे से टमाटर भी हमारे भुन जाएं। ये देखिए, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से रेड चिल्ली फ्लेक्स। ये देखिए मैंने थोड़ी सी डाल दी है, आधा स्पून के करीब। अच्छे से मिलाएंगे। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले। मसाले में हमें सिर्फ तीन चीज़ें ही डालनी है। ये थोड़ी सी मैंने हल्दी ले ली है, आधा टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून के करीब धनिया पाउडर। ये देखिए धनिया पाउडर डाल दिया है। अब हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। बस यही तीन मसाले इसमें जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा। अब हम इसको अच्छे से मसालों के साथ भून लेंगे। नमक डालने से क्या होता है कि टमाटर हमारे बहुत जल्दी पक जाते हैं। अब हमें इन्हें अच्छे तरीके से पकाना है जब तक कि इनसे ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। आप ये देख सकते हैं नमक डालते ही टमाटर हमारे गलने लगे हैं। देखिए आप देख सकते हैं ऑयल इसमें से निकलने लगा है, इसका मतलब हमारा मसाला पक चुका है अच्छे तरीके से। हम टमाटर को और थोड़ा सा मैश कर लेंगे इसमें हल्के हाथों से। ये देखिए आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने भिंडी और प्याज को भून के रखा था। अब हम इसमें डाल देंगे और अब इसे अच्छे तरीके से हम मिला देंगे इसमें। देखिए मैंने डाल दिया है मसाले में। अब इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। आप चाहे तो इसमें रेड चिल्ली या फिर ग्रीन चिल्ली कुछ भी डाल सकते हैं ऊपर से। अच्छी तरह से मिला देंगे इसमें। ये देखिए मसाला मिल चुका है। अब इसको हम ढक देंगे। थोड़ा सा फिर चलाएंगे इसको ताकि ये नीचे लगे नहीं हमारी सब्ज़ी। ये आधे कुक तो पहले ही हो चुकी है जब हमने इसको फ्राई कर लिया था। अब हमें सिर्फ 7 से 8 मिनट तक ही इसको पकाना है ढककर, ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें मसाला अच्छे तरीके से लग जाए और ये अच्छे तरीके से पक जाए। फिर इसको ढक देते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी बनकर हो चुकी है तैयार। ये झटपट से बनने वाली सब्जी है। ये देखिए बनके तैयार है हमारी सब्जी।